राम राम जी। मैं खुशबू थे देख रहे हो झलको सिक्कर पर थारो बहुत गुना स्वागत है। आज आप पूछे हाँ जो नीम का थाना जो शहर है नीम का थाना ही तहसील है नीम का थाना के अंदर आप अड़ी पूछे आप बात कर लें कि हाल फिलहाल इजा के माहौल चल रहे है तो अभी की आप बात कर लें कि भीड़ भाड़ तो अभी चल रही है जो और आप बात करें कि जो अभी फिलहाल आप खड़े हाँ या कोटपुतली जाने वाली रोड है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ही आप अभी फिलहाल खड़े हाँ तो कुछ लोग ही हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं और आप बात कर लें कि अभी जो सुबह मॉर्निंग को टाइम है 10:30 बजे को तो 11 बजे तक वह भी जो दुकान वगैरह ही वह खुली रही तो अभी जो रोड है कोटपुतली वाली पर काफ़ी सारा मेडिकल स्टोर भी है तो काफ़ी सारा लोग जा रहे हैं। आप बात करें कि भीड़ भाड़ी जा काफ़ी हो रही है तो वीडियो है इन अंत तक जरूर देखो और चैनल पर थे नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो वो पर्ची होती है जब मेडिकल और देगा जैसे कहाँ दवाई देगा आपको हम क्या कह रहे हैं बिना काम 11 बजे के बाद बाहर कभी नहीं घूमना ठीक है ओके अभी दवाई ले आओ। सर अभी जैसे कि थारी यही जो ड्यूटी लग रही है तो लोगों में जागरूकता है कि भाई लोग 11 बजे के बाद में बांधने नहीं निकलना जरूरी हो तो निकलना है और फालतू में घूम रहे हैं। हाँ अभी 70% लोग अभी कहना मान भी रहे हैं कुछ आवारा लड़के हैं वो फालतू में बजाय घूमते रहते हैं यहाँ पे। और आपका बात करना कि ये खेतड़ी मोड़ है तो खेतड़ी मोड़ पर काफ़ी सारा जो बस अकेले भी वेट कर रहे हैं लोग बैठे हैं तो बस टाइम टू टाइम आ रही है कि और कुछ लोग ही थोड़ा पास पास में भी बैठे हैं बड़े बस ज़्यादा नहीं आ रही बस बहुत कम आ रही हैं नहीं 70% लोग 11 बजे बाद में ऑटोमेटिक खुद चले जाते हैं खुद चले जाते हैं जो बचे 30% लोग कोई इक्का दुक्का कोई ऐसी छोरिया बार घूमते हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके उनको जब्त किया जाता गाड़ियों को। खेतड़ी मोड़ की आप बात करें कि फिलहाल अभी जो बसा आ रही हैं और बसाकले जो यात्री हैं रुक रहे हैं अड़े और आप बात करें जब पुलिस प्रशासन भी है नीम का थाना के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अभी के अंदर आप बात आए हैं अभी और देखा कि फिलहाल काफ़ी सारी भीड़ लग रही है काफ़ी सारा लोग आ रहे हैं सुबह सुबह को टाइम है तो लोग कोई बच्चा लेके आ रहे हैं कोई कुछ लेके आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल के अंदर अड़े पूछे हाँ देखा कि पेशेंट और डॉक्टर अड़े के सावधानी बरत रहे हैं हाल फिलहाल। डॉक्टर अभी मिले कौन गए तुझे मिला डॉक्टर तो मीटिंग कराए जा कमरा में बैठा जरे मरीज खड़े जा बाहर में कितनी देर होगी था नीचे इंतजार करता वही तो एक घंटे भर तो थेड़े खड़े हो तो पहले जो लास्ट बाद में रहेंगे पहले जा रहेंगे अभी रास्ता आ के ने बैठे ही खड़ा हो रहा से और मैं बटिस लेन लगा रहा था कंटी बार रुकी बंद जे की थे हॉस्पिटल में आया हो दिखा के आयो थारी वाइफ ने तो अभी फिलहाल थर कोई समस्या आई है दिखा कौन से क्यों मैडम दिखा कौन से क्या ना डॉक्टर चलेगा टाइम से पहले तो अभी डॉक्टर को तो ही थोड़ी टाइम है सुबह अभी तो शायद 10:30 हुए ही 9 से 11 है लेकिन मैं 10:45 बजे पहुंचा था डॉक्टर के कमरे में तो वहाँ डॉक्टर साहब नहीं मिले तो अभी थे हम कोई बातचीत कौन कोई ने पूछा कौन क्या काउंटर पर भी भाई भाई डॉक्टर ही कौन आ कड़े गया पूछो छोड़े कि स्टाफ वाला ने पूछो जो आज छुट्टी मार दें थे डॉक्टर साहब बोले छुट्टी मार को ने अभी बैठा जा वो अब कड़े गया बोले पतो कौन मतलब टाइम हुई पहले चला गया बल्कि पेशेंट रही तब तो डॉक्टर ने आदमी फोन घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा भी रुकना चाहिए ज्यादा रुकना चाहिए क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जा रहे और फिलहाल थे आ रहे खड़े हो कितनी दूर आ रहे हो मैं ऐसे 7 किलोमीटर से हॉस्पिटल में आते हैं मैडम डर लगा जाए 7 किलोमीटर हो जाए 3 किलोमीटर हो रोज थोड़ी आ सका जाए बिल्कुल सही बात है तो थे के गुजारिश करना चाहो मैं यह चाहूँ कि कोई अड़े आए बाबड़ो दुखी नहीं कोई पेशेंट दुखी नहीं कोई अड़े आए अब मैं आया था तो मैं वापस पर्ची मेरी मैडम के हाथ में छते देख लो और यह पर्ची अगर मान पर्ची काटी तो बोले कौन के भाई डॉक्टर ही कौन आड़े नहीं डॉक्टर साहब छाड़े अब यह पर्ची खा ली जाए अगर इमाल दवाई लिखी होती तो मैं दवाई लेकर चला जाता कहता कि पॉजिटिव ही लोग पॉजिटिव तो बहुत आ रहे हैं लगभग आज भी 50 के 60 के बीच में पॉजिटिव आए जेल के सैंपल थे हमारे उसके क्या नाम है शुक्रवार के होम क्वारंटीन कर रखे हैं क्या हाँ होम क्वारंटीन है फील्ड के सैंपल भी लेके आया हूँ अभी तो भी आप बात कर लें कि 50-60 के समथिंग आवी ही रोज नहीं नहीं 150-200 तो पॉजिटिव आए हैं यही नहीं है हाँ आए हैं इसी 15 से 10 से लेकर के और आज मतलब 2 तारीख हो गई ना तो 15 से लेकर के और इसे 7 दिन का तो मैं बता सकता हूँ 152 के लगभग पॉजिटिव 146 पॉजिटिव और 127 पॉजिटिव 126 पॉजिटिव और उसके बाद में 35-46 इस प्रकार के पॉजिटिव आ रहे हैं तो कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं सारे घर पे जो सैंपल लेके आए हुए बिल्कुल ठीक है
वो अपने आप को सही बता रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई थे हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ, तो पूरा हॉस्पिटल ना देखो तो इनमें कि लोग आवे हैं तो कती के थे सेफ्टी बरत रहे और कती वे बरत रहे हैं। लोगों में जागरूकता है कि भाई कुछ बीमारी है और आप सही ना सेफ्टी बरत। लोगों में जागरूकता काफ़ी है, सभी लोग 100% मास्क पहन के आते हैं जी। इवन कई लोग तो अपने साथ हैंड सैनिटाइजर भी साथ में लाते हैं, उनको पूरी तरह पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें बार बार हाथ धोना है और हमें मास्क का प्रयोग करना है। और जितने भी आते हैं हम अपने स्तर पे भी उनको इसके बारे में हम अवगत कराते रहते हैं और वो उनका फॉलोअप भी करते हैं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और इस चैन को तोड़ा जाए। और जो है कि काफ़ी सारे लोग दिन में पॉजिटिव आमी तो धीरे धीरे रिकवर भी हुई कि नेगेटिव भी आमी के लोग? हाँ, नेगेटिव भी आ रहे हैं, मतलब जैसे अभी जो पॉजिटिव आए थे शहर में उसमें से नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो उन डॉक्टर सर को और यहाँ जो फोर्थ कर्मचारी हैं उनको बताना चाहिए कि यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, आप सैनिटाइजर कीजिए, इससे आपको भी नुकसान नहीं होगा और हमारे को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टाफ जो है, स्टाफ ये नहीं समझ रहा और न की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग पर्ची के लिए लग रहे हैं उनको अपने काम में व्यस्त हैं। आप देखोगे इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहर से आए उसको पर्ची तुरंत दी जाए, इसके अलावा उसको देखना चाहिए वहाँ। लेकिन देखने की कैपेसिटी उनकी, वो अपने काम में व्यस्त हैं, समझ रहे हैं नॉर्मल सा के केस है, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई उनके ऊपर पावर नहीं है। ज़्यादा कहने पर ये कहते हैं देखते हैं कर रहे हैं ना, तो कहेंगे थे आया तो सर कोई समस्या आई है कि जी? हॉस्पिटल में मैं हर सात रोज से आता हूँ, यहाँ का माहौल हर सात दिन से जांच कर रहा हूँ। आता हूँ तो 3-4 घंटे रुक के जाता हूँ, क्योंकि जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तब तक मैं यहीं हॉस्पिटल में रुकता हूँ। तो यहाँ की व्यवस्थाओं में ये लचीलापन है, पूर्णतः मतलब संतुष्ट नहीं है मरीज भी। वो तो बाहर से अपने यहाँ लोकलिटी आते हैं, उनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। इसके लिए किसी के कहें या बोलने के कोई मतलब वाली बात नहीं है, कहने का मतलब यही है। तो देखो स्टाफ के लिए अपन ये नहीं कह सकते, स्टाफ अपना काम दमखम से कर रहा है, लेकिन उनको ये व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है उनको बताना चाहिए कि भाई ये व्यवस्था है, इस प्रकार आप सैनिटाइजर करके अंदर प्रवेश करें। एक ही रिक्वेस्ट है कि घर का बांध जब भी निकलो, जो बहुत जरूरी काम हुआ है, और मास्क और सैनिटाइजर अपने पास में रखो, मास्क लगा के रखो, और खड़े भी जा रहे हो जरूरी काम हुआ तभी घर के बाहर जाओ। ये वीडियो के बारे में थारा क्या सुझाव है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो पास में घंटी है बिन भी दबा लो, जो भी नई वीडियो होगी की नोटिफिकेशन तुरंत थारे फोन में आ जाएगी। जय हिंद, जय सिकर, जय राजस्थान।